हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं ये टैबलेट होती क्या है, इसका यूज किन किन बीमारियों में करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी कौन कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं जब हम ये मेडिसिन ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी सही डोज क्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टैबलेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टैबलेट अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार की एंटीएल्मेंटिक ड्रग्स होती है, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हेलमंस को नष्ट करती है, जैसे कि कृमियों को, जैसे टीनिया है, स्कैरिस है, इन सभी प्रकार के जीवों को नष्ट करती है। ये सभी पैरासाइट होते हैं और ये पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं तो अलग अलग प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, मेनली तो डाइथाइल कार्बामाजिन एक ऐसी अकेली टैबलेट होती है जो फाइलेरिया में यूज़ में आती है, क्योंकि फाइलेरिया के जो कृमि होते हैं उन सबको नष्ट करने का ये काम करती है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो माइक्रो फाइलेरिया ही होते हैं, यानी कुल मिला के जो फाइलेरिया के कृमि होते हैं उनके अंदर से जो एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये रोक देती है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और वो नष्ट हो जाते हैं और हमें उन सभी चीज़ों से निजात मिल जाती है। मेनली जो ये मेडिसिन होती है ये जो हमारी इननेट इम्यूनिटी होती है उसको एक्टिव करती है उस कृमि के प्रति, और इस तरह से जल्दी से वो कृमि बाहर आ जाते हैं हमारे शरीर से और हमें जो बीमारी है उससे निजात मिल जाती है। कुल मिला के इस तरह से कुछ काम करती है। अगर अब मैं बात करूं दोस्तों डाइथाइल कार्बामाजिन के यूजेस के बारे में कि इसका किन किन बीमारी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सभी जो हेलमंस के वजह से जो बीमारी होती है उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली इसमें यूज़ करते हैं फाइलेरिया के अंदर में, किसी भी प्रकार की फाइलेरियल इन्फेक्शन है तो ऐसे में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का फाइलेरिया है। इसके अलावा दोस्तों, इसे हाइड्रोसील में यूज किया जाता है। हाइड्रोसील के अंदर में जो टेस्टिकल सैक होता है, यानी जो ब्रेसल कोश होता है, उसमें पानी भर जाता है कृमियों की वजह से या किसी भी दूसरे रीजन की वजह से, तो वहाँ पर भी हम लोग डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टैबलेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल इस्नोफीलिया में भी इसे यूज़ किया जाता है एज अ सपोर्टिव मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन के साथ में हम इसे इस्नोफीलिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों इसके ब्रांड्स के बारे में बात की जाए कि कौन कौन सी ब्रांड इसकी मार्केट में होती है, तो ये मार्केट में बैनोसिड 50 mg एंड 100 mg में आता है। इसके अलावा ये कार्जिन के नाम से भी मार्केट में आता है, हेट्राजन के नाम से भी मार्केट में आता है, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसमें आपको केवल इसका साल्ट नेम देखना होता है जो कि होता है डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टैबलेट, जिससे आप पता कर सकते हैं ये कौन सी मेडिसिन है। मेनली ये 50 mg और 100 mg में मार्केट में बेची जाती है। दोस्तों, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी के अंदर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती हैं, तो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इसके अलावा दोस्तों, जब हम इसे बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसे में जो बीपी है वो फाल हो सकता है, हाइपोटेंशन की समस्या आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसे कार्टिकोस्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिनिक्स के साथ में लेते हैं तो ऐसे में जो इसका इफेक्ट होता है, इसका जो रिएक्शन होता है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। रेनल इम्पेयरमेंट यानी किडनी से संबंधित समस्या है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, प्रिकॉशंस के साथ में आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेडियाट्रिक्स यानी बच्चों में इसे प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ किया जाता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज़ करें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसके अलावा अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है यानी लैक्टेशन कर रही है, तो ऐसे में आप इसे कुछ यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस के साथ में। इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं, जो एजड लोग हैं, उनमें कुछ प्रिकॉशंस के साथ में इसकी डोज को अल्टर करके यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टैबलेट के अगर आप इसे लेते हैं। दोस्तों, वैसे ये सारे साइड इफेक्ट बहुत रेयरली दिखाई पड़ते हैं, तब दिखाई पड़ते हैं या तो आप इससे एलर्जिक हो या आप लंबे समय तक ये मेडिसिन ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको नौजिया की कंडीशन आ सकती है, भूख कम लग सकती है यानी भूख में समस्या आ सकती है। इसके साथ में दोस्तों, हेडेक की समस्या आ सकती है, सर दर्द की समस्या आ सकती है, वीकनेस महसूस होती है, डिजीनेस महसूस होता है, एंड आपको स्किन पर रेसेस देखने को मिल सकते हैं, लाल धब्बे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रूराइटिस यानी स्किन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, एलर्जी टाइप की समस्या उत्पन्न हो सकती है, या फिर आपको लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं यानी लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट हो सकता है। दोस्तों, ये सारे जो लक्षण हैं, आपको ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो रेयरली ही दिखाई पड़ते हैं, ऐसे आपको तुरंत नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर आप लंबे समय तक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में आपको ये लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। आप दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी डोज के बारे में कि क्या डोज आपको लेनी चाहिए डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट टैबलेट की, क्या डोज होती है मेनली, तो
तो इसकी डोज होती है दोस्तों 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डेली 3 divided डोज में ये ली जाती है पहले दिन। यानी पहले दिन इसको हम कम लेते हैं, उसके बाद इसकी डोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। यानी कि 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में आपको निकालना है, फिर उसके 3 भाग करने हैं और फिर सुबह दोपहर शाम आपको ये लेना होता है पहले दिन। इसके बाद फिर आपको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो है इसकी डोज को इंक्रीज करते हैं 6 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डेली हम इसे यूज़ कर सकते हैं और 2 से 3 दिन तक हम इसे ले सकते हैं खाना खाने के बाद में, ठीक है। एक्चुअली ये मेडिसिन आप 21 दिन तक ले सकते हैं, इसकी जो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है वो 21 डेज होता है, आप 21 डेज तक ले सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले सबसे कम डोज होगी, फिर धीरे 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 डोज बढ़ती रहती है, तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं इसकी जो डोज होती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसे में आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया डाइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें आप हेल्थ मुके चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।